हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित फार्मासिस्ट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिफ्लेम टेबलेट के बारे में। जानेंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कॉम्बिफ्लेम टेबलेट के यूजेस के बारे में कि किन किन समस्याओं में इस टेबलेट का यूज़ करते हैं, और जानेंगे इसकी डोज के बारे में, और जानेंगे इसके कंपोजिशन और इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके प्राइस रेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें कॉम्बिफ्लेम टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो फ्रेंड्स इस टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग स्नोफी इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, इस टेबलेट की एक स्टिक में 20 टेबलेट होती हैं, जिसका प्राइस रेट मात्र 41 रुपये होता है। ये टेबलेट आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बड़े आसानी से परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें इस टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट को बनाने में दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। वो इंग्रेडिएंट जैसे कि आइब्रूफेन और पैरासीटामोल, इन दो इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ये टेबलेट बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये टेबलेट एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक टेबलेट होती है। और फ्रेंड्स, बात करें कॉम्बिफ्लेम टेबलेट के यूजेज के बारे में तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का यूज़ बॉडी पेन में किया जाता है, यानी कि शरीर के दर्द में किया जाता है, और सर दर्द में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। जब बुखार होता है तब भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और दांतों के दर्द में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, जब जोड़ों में दर्द होता है या सूजन होती है तब इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, और जब महिलाओं में पीरियड के समय दर्द होता है तब भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी समस्याओं में फ्रेंड्स इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें कॉम्बिफ्लेम टेबलेट की डोज के बारे में तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट को एक एडल्ट पर्सन सुबह और शाम एक टेबलेट खाना खाने के बाद ले सकता है। और फ्रेंड्स, बात करें इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टेबलेट का सेवन करते हैं तो इससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द होता है या अपच या उल्टी होती है या मतली या सीने में जलन होती है। ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स।